कैसे हुआ श्री राम का जन्म, रामायण का पहला भाग, आइए देखते हैं। कौशल्य प्रदेश, जिसकी स्थापना व्यवस्थित मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस देश की राजधानी है। वैश्वत मनु के वंश में अनेक सूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिनमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित सत्य निष्ठा एवं ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। उनके राज्य में किसी का किसी के प्रति द्वेष भाव का सर्वदा अभाव था। एक दिन दर्पण में अपने कृष्ण वर्ण केशों के मध्य एक श्वेत रंग के केश को देखकर महाराजा दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और अब तक मैं निसंतान हूँ, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तभी किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा का क्या होगा।